एक बार मृत्यु के देवता ने यानी यमराज ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन वह वहां की स्थिति को देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि तीन छोटी छोटी बच्चियों उस स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई है। एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुए हैं, दूसरी बिलक बिलक कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गई। तीन छोटी जुड़वा बच्चियां मां मर चुकी हैं। परिवार में और कोई है नहीं, पिता पहले ही मर चुका है। इनका क्या होगा, कौन इन्हें संभालेगा? यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ, इसलिए वह खाली हाथ ही वापस लौट गया और अपने प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की तीन छोटी छोटी जुड़वा बच्चियों है, एक अभी भी उसके स्तन से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए ताकि बच्चियों थोड़ी और बड़ी हो जाए? यह सब सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला, तो तू ज्यादा समझदार हो गया है। उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु, तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसके तुझे सजा मिलेगी, और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर तीन बार हंस नहीं लेता। देवदूत राजी हो गया। इस सजा को भोगने के लिए उसे पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूं, फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था, वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहां से गुजर रहा था। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते देखा तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने की बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और नहीं रहने का व्यवस्था है, इस भयानक ठंड में मैं क्या करूं? चमार ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपनी के कपड़े के लिए जो पैसे लाया था उससे मैं तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद ली है और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूं, इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा। अब ना तो चमार को पता था कि जिसे वो ले जा रहा है वो देवदूत हैं, और ना ही पत्नी को पता था कि जो आया है वो देवदूत है जिसके आते ही घर में खुशियों की बार आ जाएगी। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वह चमार पर बरस पड़ी, बहुत भला बुरा कहा, उसने बहुत तीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा, जब मैं तीन बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि चमार की पत्नी यह नहीं देख पा रही कि घर में देवदूत आया है जिसके आते ही घर में हजारों हजार खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती ना थी, व्यक्ति देख ही कितनी दूर सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए, जो खो गया उसे तो वह देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वह ना देख सके तो देवदूत हंसा। उसे लगी अपनी मूर्खता की यह पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं और चाहते हैं अपने माता पिता की लंबी उम्र हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपके माता पिता की उम्र लंबी कर दें तो चलिए, क्योंकि वो देवदूत था, इसीलिए वो 10 दिन में ही चमार का सारे काम सीख गए। वह जूते बनाने लगा और कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बीके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में यह बात फैल गई कि उस जैसे जूते कहीं और बनी ही नहीं सकती। राजाओं और सम्राटों के जूते अब उसके यहां बनने लगी थी। चमार के घर धन की बारिश हो गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, यह चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, इसीलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और ठीक इस तरह की बनानी है, ध्यान रखना जूते ही बनानी है, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना, सम्राट का स्पष्ट आदेश है
और ध्यान। खन्ना चमड़ा सिर्फ इतना ही है और ये काम सम्राट का है, इसीलिए कोई गलती मत कर देना वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। जब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा। उसने कहा, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने जूते की जगह चप्पल बना दी। अब सम्राट मुझे छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ ही मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हांफता सम्राट का आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूं। चमार ने कहा है, कौन सी सजा, कैसे सजा, और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब तीन बार हंस लूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और शिवाय उस परमात्मा की जो किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थी और मर गया तो चप्पल, देवदूत दोबारा हंसा। यह सोचकर कि भविष्य हमें ज्ञान नहीं और हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह घटेगा, लेकिन वो कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नियति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह हो हल्ला मचाए रहते हैं, चाहिए चप्पल लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा, यही सब सोकर अपनी मूर्खता पर आज खिलखिलाकर हंस रहा हूं। इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार के दुकान पर बैठे जूते बना रहा था, तभी वहां तीन जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आई। उन दिनों की शादी होने वाली थी तो वह अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें उनकी मृत्यु मां के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण आज वो देवदूत सजा भुगत रहा है। वो तीनों देखने में स्वस्थ थी, सुंदर थी और उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वह किस बड़े घराने में पली बरी हो। देवदूत ने पूछा, तुम्हारे साथ यह बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये मेरे पड़ोसन की लड़कियां, बचपन में ही इनकी मां की मृत्यु हो गया थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने को भी ना थी, यहां तक कि उसके स्तनों में इनको पिलाने के लिए दूध भी ना था, वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते मर गई। मेरी कोई संतान न थी, इसलिए मैंने अपने बच्चों के रूप में अपना लिए और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी मां जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता में पली बरी होती, क्योंकि मां मर गई, इसीलिए इनका लाल लल पालन इतने धनी परिवार में हुआ और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन की यही तीनों मालकिन है। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उस तीनों लड़कियों के लिए अब तक के शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बातें सुनाई की। तीन कारण थे मेरे हंसने की, मेरी गलती थी। अब मैं समझ गया हूं कि नियति सबसे बड़ी है और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वह बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे हम सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर तीन बार हंस चुका हूं, मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूं। और देवदूत वापस देवता के पास चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो भविष्य की गर्त में ही छुपा है, इसलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी की प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है इसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में यही कहते हैं कि ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य के लिए पश्चाताप, बस आज में जियो, इस पल में जियो और इसी के साथ एक हो जाओ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।